तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं धोती शलवार की कटिंग और स्टिचिंग। जो कि जेंट्स धोती शलवार होती है उसकी कटिंग और स्टिचिंग लेके आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो चलिए, इस तरीके से हमने इसको बिछा लिया है, समोसा बना लिया है इसका। और ये जो हमारी टेप है इस साइड, उस साइड से हमें मार्क लगाना है। हमारी लेंथ है 36, तो 36 में एक इंच हम मार्जिन प्लस कर देंगे तो हो गया 37। और उसमें से हम 3 इंच हमारी बेल्ट जो होती है उसका पेटी का निकाल देंगे और मार्क लगा देंगे। और लगाने के बाद जो हमारी मोरी है 12, उसका मार्क लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 12 मोरी आ जाएगी। और फिर इसको स्ट्रेट कर लेंगे मारिक को। ये हमारा मारिक स्ट्रेट हो गया है, नाप ले एक बार 12। ठीक है, इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब जो हमारी लटक है इसकी, वो लगानी है हमें लेंथ का तीसरा 3 हिस्से कर लेना है। 36 है हमारी, तो 36 का एक भाग कितना हो गया 12, 12 24 भारतीय 36, तो 3 भाग हो गए। ये 12 पे हमें लगाना है इसका निशान। तो ये हमारी लटक गिर गई है। अब इससे 2 इंच का जो हमें राउंड देना है इसके अंदर, वो 2 इंच दें अपना। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से गोलाई दे लें जैसे कि हम पेंट में फलाई की देते हैं। और हाथ से डॉट डॉट कर शेप दे लें। चाहे तो आप शेपर से भी दे सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लें। हमको एक इजी तरीका बताना था तो हमने इस तरीके से बता दिया, इसमें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बराबर से काट दें। काटने के बाद इसको काट लें आप गोलाई देते हुए। और इस जो हमने शेप दिया दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसी से आपकी जो ये धोती शलवार है उसकी लुकिंग बैठेगी, जो कि सिर्फ जेंट्स में ही होता है। लेडीज़, बहुत से लोग बोलते हैं धोती शलवार, तो वो आपको लेडीज़ शलवार की स्टिचिंग सिखाते हैं। इसमें बेल्ट बहुत बड़ी होती है और ये शेप बिल्कुल नहीं होता है। तो स्पेशली हमने ये जेंट्स के लिए लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कोई नहीं आपको बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोनों तरफ से 6-6 इंच आना चाहिए। ठीक है, लेंथ भी 6 इंच और जो क्रॉस हिस्सा करा वो भी 6 इंच आना चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरत लुकिंग बैठी है हमारी। अभी हम कोना काट लेंगे इसका 2 इंच के करीब। ये कोना रखना है हमें, यहीं से हमारी जो प्लेटें डलेंगी वो स्टार्टिंग होंगी डलना, तो वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से प्लेटें डलेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो ध्यान से देखें और फिर भी नहीं आता समझ में, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, हमें अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, कुछ पूछते हैं हमें। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हमारी बेल्ट, हमारी जो हिप है वो है 36 इंच। ठीक है, तो हमें इसमें 4 इंच प्लस कर 40 इंच लेना है, तो हम लेंगे 20, तो डबल कर तो ये 40 हो गया। और जो हमारी बेल्ट है वो लेंगे हम 6 इंच की चौड़ाई लेंगे हमारी। ठीक है दोस्तों, 6 से 7 इंच के बीच आप चौड़ाई ले सकते हैं। उससे में ये है कि आपका जो मार्जिन जो होता है फोल्ड, वो मार्जिन सब आ जाता है इसके अंदर। और अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस तरीके से बनाना है। देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, तो चलते हैं अब मशीन पर, बताते हैं कि किस तरीके से इसकी स्टिचिंग की जाती है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी बेल्ट आ गई। ठीक है, अब इस पर हम ये देखिए 20 इंच जो 40 है हमें फिक्स रखना है। ये देखिए, इसको हमें पेटी को 40 इंच की फिक्स रखना है। और जो ये साइड है इसमें फोल्ड करते हुए आप वो बना दें एक, जिससे कि आप प्लास्टिक या नाड़ा कुछ भी डाल सकते हैं इजीली बाद में खोल कर। इसलिए ये बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा सबको, जो फॉर्मल जेंट्स शलवार वगैरह होती है उसमें भी ये लमसम सभी में बनता है, शलवार और नाड़े वाले पजामों में।
तो देखिए ये मुंह बन गया हमारा। अब इसको हम तकरीबन 1.5 से 1.5 इंच के करीब हम इसको फोल्ड कर देंगे और 1/2 इंच अंदर मार्जिन गया है इसके। ठीक है दोस्तों, अब ये बेल्ट को फटाफट से फोल्ड कर देंगे। इसको फोल्ड कर फिर हमें इसको नाप कर चेक कर लेंगे एक बार कितने इंच है। ठीक है दोस्तों, हमें 3 इंच फिक्स चाहिए था और 1/2 इंच मार्जिन, तो 4 इंच तक हमारा ये पेटी चल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये देखिए हमने पूरी को फोल्ड कर चुके हैं, ये फोल्ड हो गई है। अब हम इसको, ये हमारी पेटी तैयार हो चुकी है इस वक्त, देखिए ये हमारी तैयार हो गई। अब हम प्लेट डालेंगे दोस्तों शलवार में, जो ये धोती शलवार है इसके अंदर मेन चीज़ जो है हमारी वो प्लेटें ही हैं। अगर आपको प्लेट डालना आ गई तो सभी चीज़ें बाकी ईजी हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तकरीबन 2.5-3 इंच के करीब है, हमने कम लग रहा था 2 इंच तो हमने और क्रॉस कर दिया। तो दोस्तों ये जो हमने बनाया मुँह उल्टा रख के बनाना है आपको, और जो ये है चोच है ये जो धोती शलवार में लटकती है। ठीक है दोस्तों, अब ये प्लेट डालना है आपको, तो दोस्तों प्लेट इस हिसाब से डालना है आपको, एक शलवार में जो हमने मुँह दिया है इसकी एक साइड जो आएगी उसमें प्लेट तैयार होने के बाद 10 इंच रहें और जो दूसरी साइड आएगी वो भी 10 इंच रहें। तो इस हिसाब से आपका जो एक पैंचा है वो तकरीबन 20 इंच के करीब तैयार बैठेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पैंचा भी 20 इंच के करीब तैयार बैठेगा, तो ये जो हमने बेल्ट बनाई है 40 इंच वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप बारीकी से समझें, ये जो आपको प्लेट देनी है यही मेन चीज़ है शलवार की, इसी से आपको अगर ये डालना आपके आ गए प्लेटें तो आप आसानी से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लेटों को गौर से समझें, एक बार और बता देता हूँ आपको, ये देखिए ये जो हमारी चोंच है यहाँ से हमें ये देखिए 10.5 इंच आ रहा है 1/2 इंच मार्जिन का, और ऐसे ही उस साइड भी हमें शलवार का लेना है। ये देखिए दोनों मुँह ये सेंटर आ गया, ये वाला हिस्सा भी 10 इंच और वो वाला हिस्सा भी 10 इंच है हमारा। तो ऐसे ही दूसरे पैंचों को भी कर लें और कर ये मोरी का मुंह बना लें। बहुत ही ईजीली आपकी शलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी, बस देखते रहें वीडियो को, पूरा देखें दोस्तों। बहुत से लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और बाद में कमेंट करते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से पूरा देखें, उसके बाद आप हमें सवाल पूछें, हम आपका रिप्लाई 101% ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट के 5 से 7 घंटे के बीच में हम आपका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें, और आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हम वहाँ नए नए डिज़ाइंस की पिक अपलोड करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोनों मुँह को जोड़ लेंगे जो हमने फलाई के वाले काटे थे, राउंड दिया था इस तरीके से, एक एक बूट की सिलाई लगा लेंगे ईजीली से, फोल्ड करके लेंगे और इस पर इंटरलॉक कर लेंगे बाद में, ताकि ये फूतरे ना निकलें इसके। ठीक है, रेशे वगैरह धागे वगैरह ना निकले इसमें से। देखिए ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इस पर सिलाई मार लें एक और पक्का काम कर लें, उसके बाद हम जो है हमारी बेल्ट करेंगे। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो तो। ये देखिए ये हमारी तो वीडियो दोस्तों कंप्लीट होने वाली है, इसके हम गिदरी फोल्ड कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से करना है आपको, पहले नाप लेना 12 इंच मोरी फिक्स आए आपकी, उसी के बाद आपको गिदरी की सिलाई लगानी है आपको। ठीक है दोस्तों, नाप कर ये जो देखिए कितना खूबसूरत राउंड आ रहा है, जो हमने कटिंग के दौरान इसमें शेप दिया था, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इससे आपकी जो शलवार है उसकी लुकिंग और बढ़ जाती है और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसलिए आप ये छोटी छोटी चीज़ें इनका आप ज़रूर से
ध्यान रखें अपनी स्टिचिंग के दौरान धोती सलवार की। ये हमारी सलवार में अब हमें प्लेटी लगाना है, तो बहुत ही इजी तरीका दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको स्टिचिंग करना है इसकी बेल्ट की। तो देखिए ये हमें जो हमने सेंटर है हमारा, वहाँ से हमें लेना है, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारा जो हमने गोलाई दी थी फ्रंट में, वो गोलाई को उसके वहीं से स्टार्ट करना है आपको, वो जॉइंट के वहीं से। ये जॉइंट आ गया हमारा, अब यहाँ से आपको स्टिचिंग स्टार्ट करना है, और जो हमने मुंह बनाया था इसका वो मुंह रखना है। तो ये देखिए दोस्तों 3.25 इंच आ रहा है ये। अब इसमें एक बूट की सिलाई लगा लेंगे और जो हमारी बेल्ट है वो 3 इंच फिक्स रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसको एक बूट की सिलाई से फटाफट से स्टिचिंग कर लेंगे, और इसको कर आपको एक बूट की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, हम आपके लिए ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस लाते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के लिए, बाय, धन्यवाद, सब बखैर, मिलते हैं अगली वीडियो में।